हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं एक और अनबॉक्सिंग लाया हूँ आपके लिए, जिसमें कि हम होंडा एक्टिवा के हैंड ग्रिप की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि है दोनों साइड का लेफ्ट और राइट। इसको हम एक्सेलेरेटर ग्रिप भी बोलते हैं और हैंड ग्रिप भी बोलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये राइट वाला है, इसमें मैंने अलग से आर भी लिखा हुआ है और इसका पार्ट नंबर है 53146KRB901 और इसमें लिखा है ग्रिप कंप्लीट थ्रॉटल, यानी कि जो हम थ्रॉटल देते हैं उसको घुमा के, इसलिए इसको थ्रॉटल भी कहा जाता है, थ्रॉटल ग्रिप भी बोलते हैं इसको। क्वांटिटी एक पीस है, MRP है सिर्फ 78 रुपये की। अगस्त 2021 में इसकी पैकिंग हो रखी है, पीछे भी इसका बार कोड और पार्ट नंबर दे रखा है। तो करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं। ये लगभग होंडा एक्टिवा के जितने मॉडल हैं सभी में लग जाएगा ये। देख पा रहे हैं आप, क्वालिटी एक नंबर की क्वालिटी और MRP भी ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं है। और इसमें कुछ नंबर वगैरह तो लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है बस C1 लिखा है ओनली। यहाँ पे ये वायर फंसाने के लिए होता है, जो वायर का आगे का पॉइंट होता है वो इसमें फंस के फिर एक्सीलेटर इस तरह होता है। तो क्वालिटी एक नंबर दे रही है होंडा। दूसरा हैंड ग्रिप है हमारे पास, जिसका कि पार्ट नंबर है 53166K, इसमें दिख नहीं पा रहा है, KRP980 और इसमें लिखा है ग्रिप L हैंडल, यानी ये लेफ्ट साइड में लगेगा। क्वांटिटी एक पीस है, MRP है सिर्फ 34 रुपये। अगस्त 2021 में इसकी पैकिंग हो रखी है, इसको भी जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, इसमें कुछ लिखा हुआ है M6C3 और यहाँ पे लिखा हुआ है PVC और बाकी तो इसमें कुछ लिखा नहीं है और एकदम सॉफ्ट हो रखा है ये। क्या होता है कि जब हम इसको पकड़ पकड़ के, इसका जो ये वाला पोर्शन है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, तो ग्रिप अच्छे से आती नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ता है। इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं दोनों को। दोनों की जो प्राइस हो गई वो 178 रुपये की है, 134 रुपये की है, तो लगभग आपके 100-102 रुपये के आसपास ये में दोनों आ जाता है। सो गाइस, वीडियो में यही था, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।